हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंकिता स्टैनेटिस। आप लोग का स्वागत है। तो मैं आज लाई हूँ सफ़ेद कद्दू की बड़ी, मसाले वाली बड़ी है ये। तो बहुत आसान तरीके से मैं बताऊँगी ये बड़ी रेसिपी। और इसमें हम बड़ी में मसाले भी डाले हुए हैं, सफ़ेद कद्दू भी डाले हुए हैं। तो आप कद्दू भी बोल सकते हैं और सफ़ेद पेठा भी बोल सकते हैं इसे, या रखिया बड़ी भी बोल सकते हैं इसे। चलिए हम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 1.5 किलो उड़द ले लिया है। इसको हम रात भर सोक कर लेंगे। तो देखिए हमारा ये उड़द अच्छे से सोक भी हो गया है। तो उड़द को अच्छे से आप साफ कर लीजिएगा, तभी इसको पीसिएगा। और ये हमारे हैं कद्दू, उसको मैंने 2 टुकड़े में काट लिया है। तो कद्दू हमारे करीबन 2 किलो के हैं। और हम कद्दू को अब कैसे निकालेंगे इसके सारे गुदे, ये भी आपको मैं प्रोसेस बताती हूँ। बहुत आसान प्रोसेस बताऊँगी आपको कद्दू के गुदा निकालने के लिए। सबसे पहले हम कद्दू को 4 डिवाइड में कट कर लेते हैं उसे, और फिर इसको सारे बीज निकाल लूँगी। आप चाहे तो बीज भी डाल सकते हैं, बहुत लोग बीज डालते हैं, कितने लोग बीज को भी हटा देते हैं। तो हमने बीज को हटा दिया है। और हम जो घिसने वाले गाजर आते हैं ना कद्दूकस करने, और उसी से हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो मैंने ये एक प्रोसेस आपको बता दिया है। फिर और एक सबसे आसान प्रोसेस बताती हूँ मैं, इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम क्या करेंगे, सारे कद्दू के गूदे को निकाल लेंगे और इसको मिक्सर जार में से दरदरा ही पीसेंगे, ज़्यादा महीन नहीं पीसना है हमें। ये देखिए मैंने मिक्सर जार लिया है और सारे कद्दू को इसमें डाल ले रही हूँ। आप चाहे कद्दूकस भी कर सकते हैं, तो कद्दूकस में हमारे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, हमें क्विक करना है ऐसे तो क्विक बनाएंगे। तो हम ये प्रोसेस रात को ही कर लेंगे सारे, क्योंकि हमें सुबह यह सब डालना है बड़ी को धूप में। तो हम ये कद्दू को रात को ही पीस लेंगे या कद्दूकस कर लीजिए, और इसके सारे जितने भी लिक्विड पार्ट हैं उसे हम एक सूती कपड़े को हम बिछा देंगे, और इसमें जो मोटे मोटे हैं आप हाथ के साथ ऐसे हटा लीजिएगा, क्योंकि फिर बड़ी में आ जाएंगे वो, महीन ज़्यादा होंगे तो बड़ी में पता नहीं चलते हैं ये। और देखिए कुछ इस तरह है। और सारे इसके हम पानी भी निकाल लेंगे, और पानी के भी बहुत सारे यूज होते हैं। कितने लोग इसके कड़ी बनाते हैं पानी के, बड़ी एक बनती है वो भी बनाते हैं बड़ी में एक डालकर इसे। इसी तरह हम सारे हम कद्दू के गूदे को पीस कर और हम सारे छान लेंगे जितने मोटे पार्ट होंगे इसके, क्योंकि थोड़े से पार्ट तो रह ही जाते हैं। और हम सारे पानी को भी निचोड़ लेंगे, सूती का कपड़ा एक बर्तन में रख कर उसमें सारे ये डाल दीजिएगा और सारे पानी को निचोड़ लीजिएगा। और इसी ये प्रोसेस को आपको रात भर ऐसे कर कर छोड़ देना है, ताकि इसके बिल्कुल पानी ना रहे, नहीं तो हमारी बड़ी फिर गीले हो जाएंगे। क्योंकि हम उड़द को बिना पानी दिए ही पीसेंगे ताकि वो ठीक रहेंगे। तो यही प्रोसेस आपको करना पड़ेगा, बड़ी को गीला ना होगा आपका। इसी तरह सारे पानी हमें निकालना है और इसे रात भर ऐसे ही छोड़ देना है। पुराने जमाने के लोग थे वो मिट्टी में इसे दबा कर रख देते हैं, ताकि रात भर ये मिट्टी पानी एब्जॉर्ब कर ले। तो आपके ये पूरे सूखे सूखे निकलेंगे ये गूदे पूरे। और बहुत थोड़ा इसे मेहनत तो लगता ही है, तो मैं आपको आसान प्रोसेस बताई हूँ। तो जो कितने लोग इसको कद्दूकस कर कर ही बनाते हैं, आप ऐसे मिक्सर जार में पीस लीजिएगा और उसके सारे जितने हैं, देखिए इतने पानी निकल गए हैं, करीबन 1 लीटर पानी निकल गए हैं और हमारे थोड़े से ही निकले हुए हैं ये गूदा। तो इसी तरह हम रात भर इसे छोड़ देंगे, आप चाहें तो कोई। और ये देखिए हमारे ये उड़द पीस कर रेडी हो गए हैं। ये मॉर्निंग का टाइम है और ये हमने एक प्लेट में उड़द ले लिया है, और उड़द को पहले सबसे अच्छा से फेंट लेंगे। सिलवट्टे में या कोई भी बर्तन में फेंट लीजिए, और फिर हम इसमें
क्या क्या डालेंगे वो भी दिखा देती हूँ। हम ये मसाले वाला बना रहे हैं। ये हमारे सफ़ेद कद्दू जो हमने इसको रात भर निकाल कर रखा हुआ था गूदा को, तो ये कुछ इस तरह दिख रहे हैं, लग रहा है ना छेना की तरह दिख रहे हैं ये। छेना जैसे हम करते हैं ना उसी तरह करेंगे। और देखिए हमने ये कुछ फेटा हुआ था, हमने उड़द को अच्छे से पिसा हुआ फेटा हुआ था, इसमें से हम कुछ निकाल लेंगे और इसमें मिक्स कर लेंगे जो हम सफ़ेद कद्दू का गूदा निकाले हुए थे। जब हम गूदा डालते हैं तो फिर ये भारी पन आ जाता है। और ये मसाला हम इसमें डाले, तो मसाले में मैंने ये जीरा पिसा हुआ, मिर्च और अदरक पिसा हुआ लिया है। तो हम ये मसाला बड़ी बना रहे हैं, तो इसको हम अच्छे से फेटेंगे। हम जब ये गूदा डाल लेते हैं इसमें और भारी पन आ जाता है। पहले हमने उड़द को अच्छे से फेटा हुआ था तो पूरा हल्का हो गया था ये, फिर हम ये सारे डालकर फेंट रहे हैं तो इसमें और भारीपन आ गया है। तो आप थोड़ा पानी भी डालकर फेंटेंगे ना तो ये जल्दी से अच्छे हो जाएंगे, फेंटने में हल्कापन आ जाएंगे। ज़्यादा इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना, बस दो बूंद। अगर आपको ज़्यादा भारीपन लग रहा है तो बस दो बूंद ही डालकर इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। बहुत आसान से ये रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ, और ये हम 2-3 साल तक इसे आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें बहुत सारी सावधानियाँ बरतनी पड़ती है, ये लिहाज से इसे नहीं टच करना होता है और टाइट कंटेनर में इसे बंद करके रखना पड़ता है। तो देखिए हमारा ये फ्लफी हो चुका है, और देख सकते हैं कि ये जब हमारे अच्छे से हम फेट जाते हैं ना तो ये और क्वान्टिटी में बढ़ जाते हैं। ये हमने फेट लिया, एक अलग बर्तन में रख लेते हैं, फिर दोबारा उसमें और फेट लेंगे। तो हम फेटा हुआ एक कॉटन का कपड़ा लिए हैं और उसी में हम डालेंगे ये धूप में। आप चाहे तो ऐसे कोई बर्तन में भी डाल सकते हैं, और ये कॉटन वाले में ही कॉटन के ही कपड़े में डाला जाता है, और आप अपने अकॉर्डिंग अपने साइज के अकॉर्डिंग डालिएगा। और ध्यान रखिएगा कि आपके जो छत होंगे वो नीचे से काले नहीं होने चाहिए। अगर काले हैं तो ऐसे चटाई नीचे बिछा कर उसके ऊपर आप कॉटन का ये रख लीजिएगा कपड़ा। और नहीं तो फिर आपके जैसे हमारे बड़ी डालते हैं तो नीचे की जो गंदगी होती है वो एब्जॉर्ब करने लग जाती है, तो इसी तरह आपको करना पड़ेगा। और हम ये छोटे छोटे बड़ी अपने अकॉर्डिंग आप डाल दीजिएगा। फेटा हुआ और उसी में से आप तुरंत फेट कर तुरंत डाल लीजिएगा, नहीं तो फिर वो बैठने लग जाता है। तो ये हमने डाल दिया है, फिर हम दोबारा ये दूसरा फेट रहे हैं। तो इसी तरह हमें सारा फेट कर रेडी कर लेना है। इसमें थोड़ी मेहनत लगती है फेटने के टाइम। अगर आपका अच्छा नहीं फेटा होगा तो आपका बड़ी भी अच्छा नहीं बनेगा, तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फेटने के लिए इसे। तो हम इसी तरह सारा फेट लेते हैं और बड़ी अपना डाल लेते हैं। ये देखिए हमने दूसरा भी बड़ी डालना स्टार्ट कर दिया है। फ्रेंड्स अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो देख सकते हैं कि ये बड़ी भी हमारे बन गए हैं। कपड़े में बड़ी को बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए हमारा पूरा बनकर रेडी भी हो गया है, और ये करीबन 2 घंटे हो गए हैं। तो हमारे बड़ी हल्के से ऊपर से सूख भी गए हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको पलट लेंगे। यहाँ से इसे पलटिएगा, तो देखिए हमने पलट लिया है एक साइड, फिर से सूती कपड़ा डालकर इसे पलटा है कि ताकि ये चारों तरफ धूप लग जाए। तो अब हमारा ये धूप निकल गया और हम अपने कपड़े से भी इसे निकाल दिए हैं। देखिए हमारी बड़ी बनकर रेडी हो गया। तो अभी हमारी बड़ी अच्छे से धूप में सिके नहीं है, इसको 2-3 दिन लगता है सुखाने में। 2-3 दिन हो चुके थे ये बड़ी के, और ये कपड़े में चिपके रहते तो उसको निकालने पड़ते हैं। तो हमारा ये मसाला वाला बड़ी बनकर रेडी हो गया है सफ़ेद कद्दू का, और हम इसे 2-3 साल तक आप इसे स्टोर कर रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं कोई रेसिपी के साथ। तो देखिए हम इस तरह टोकरी में ये जो है उसमें भी आप बड़ी डाल सकते हैं। हमने इसी में सुखाया था 2-3 दिन तक इसे, और हमारा ये बनकर रेडी हो गया है।
तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।